इस क्वेश्चन में ए बी सी एंड डी का वैल्यू निकालना है, तो दो मैट्रिक्स को इक्वल किया गया है। तो दो मैट्रिक्स कभी भी इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x2 है। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है, 2x2 है। 2x2 क्यों, क्योंकि 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं दोनों मैट्रिक्स में। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल टू माइनस वन, 2a-b इक्वल टू 0, 2a+c इक्वल टू 5 एंड 3c+d इक्वल टू 13। तो इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशंस हो गए, निकल जाएगा। तो अगर इसको हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये कट गया, तो ये कितना हो गया, माइनस ए बराबर ए कितना हो जाएगा, माइनस वन। तो ए बराबर कितना हो गया, वन हो गया। अब ए का वैल्यू इक्वेशन वन में हम रखेंगे तो बी निकल जाएगा, तो वन माइनस बी इक्वल टू माइनस वन, तो कितना हो गया, माइनस बी इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन, ये उस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो हो गया माइनस टू। तो बी बराबर कितना हो गया, टू। तो a बराबर 1 आ गया, b बराबर 2 आ गया। अब a का वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो क्या हो गया, 2x1+c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 5 माइनस कितना हो गया, 2 बराबर 3। c भी निकल गया, b भी निकल गया, a भी निकल गया, अब d सिर्फ बचा है। तो d निकालने के लिए हम इक्वेशन 4 का यूज कर सकते हैं, तो 3x3 c का वैल्यू रख दिया प्लस d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू कितना हो गया, 13-9, 3x3 9 बराबर कितना हो गया, 4। तो a बराबर कितना हो गया, 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4, यही वैल्यू हो गए जो आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम जब भी दो मैट्रिक्स दिया हुआ इक्वल दिया हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं।